चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में नो मैन्स लैंड पर नेपाल के लोगों द्वारा किए अतिक्रमण विवाद का मसला अब सरकारी पाले में पहुंच चुका है। मंगलवार को बनबसा में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें मीडिया को कवरेज से दूर रखा गया था। वहीं बैठक के बाद चंपावत जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि सीमा विवाद से संबंधित सभी मामलों में इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आज भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच में एक अनौपचारिक बैठक रखी गई थी, जिसमें कि सीमा से संबंधित या अन्य जो इश्यूज थे उस पर चर्चा की गई और दोनों देशों के अधिकारियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी बिंदुओं पर जो है व्यापक चर्चा की है और जो हमारे कंसर्न थे और जो उनके कंसर्न थे उसका हम लोगों ने आपस में आदान प्रदान किया और दोनों तरफ से विश्वास दिलाया गया कि जो भी गतिविधियाँ हैं उसको जो भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो उसका पालन किया जाएगा और कोई ऐसी गतिविधि नहीं की जाए जिससे कि दोनों देशों के संबंधों पर कोई विपरीत हो।